ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। 20 सूत्री मांग को लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही रैली निकालकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रांतीय निकाय के आह्वान पर अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर सभी जिलों में सामूहिक अवकाश का धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं प्रदेश महामंत्री व प्रदेश प्रवक्ता सैयद असलम ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों के विषय में शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। शासन द्वारा मांगों का समय पर निराकरण नहीं करने से स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम पीड़ित मानवता के सेवक हैं, हम हड़ताल के पक्षधर नहीं हैं। मजबूरी में सड़क पर उतरने की बात उन्होंने कही, जिसके चलते एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बातें उन्होंने कही। साथ ही आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होने की बातें भी उन्होंने कही। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गुप्ता ने कहा कि इस दौरान केजवली और प्रसव एवं एक्सीडेंट के केसेस के लिए इमरजेंसी सेवाओं के लिए कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लोग प्रदर्शन में हैं। शामिल लोगों ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 24 सूत्री मांग पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में आज एक दिवसीय सामूहिक अवकाश में है। स्वास्थ्य कर्मचारी हमने आज सिर्फ कैजुअलिटी और आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा है। जैसे प्रसूता महिला अगर कहीं आएगी तो उनके डिलीवरी कराने के निर्देश दिए हैं सब विभाग के हमारे कर्मचारियों को, और कोई एक्सीडेंटल केस है उसको हैंडल करने के लिए। हम कभी हड़ताल के पक्षधर नहीं हैं, हम हड़ताल करना नहीं चाहते। मजबूरी में जब शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो हमको सड़क पर उतरना पड़ता है। हम विगत कई वर्षों से आवाज़ लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। आज तक वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान जो केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों के पद अनुरूप मिलता वो देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमने आवाज़ लगाई थी कि 13 माह का हमको स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन पुलिस विभाग के जैसे दिया जाए, लेकिन प्रदेश में 13 माह का वेतन नहीं दे रहे, बल्कि दूसरे विभागों को 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लगा दी गई और हम लोग 7 दिन 24 घंटे काम करते हैं। हमारे में 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान मांग हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कैडरों में पदोन्नति नहीं है। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर जीवनदीप कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लगातार संघर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, इस वित्तीय वर्ष में हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। हमारी मांगे ये है जो घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी द्वारा चुनाव के पहले किया गया था उसको आज तक से पूरा नहीं किया गया है। हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी संगठन हड़ताल कर रहे हैं, उसमें जितने भी विसंगति हैं वेतन विसंगति उनको शुरू से बोला गया था कि किया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक से उन्होंने कोई भी मांग पूरा नहीं किया है, ना कोई घोषणा पत्र को उन्होंने कंप्लीट किया है। तो हम चाहते हैं कि हड़ताल के माध्यम से हम एक उनको संदेश भेजना चाह रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, अगर मांग पूरा नहीं होता तो आगे चल के हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मांग है वेतन विसंगति, और इसके लिए बीते कई वर्षों से हम जो है शासन से मांग करते आ रहे हैं, और हम एकजुट होकर सारे कैडर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तले ये मांग को लेकर आए हैं। हमारी पूरी 24 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मुद्दा जो है वेतन विसंगति का है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मांग सरकार इस बार जरूर पूरी करेगी। आंदोलन करेंगे सर, जारी रखेंगे। अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोला है, प्रदर्शन किया है और मांग की है। देखना होगा इनकी मांगों का असर कब और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।